वहीं इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह अमर हैं, उन्होंने अपने कर्म से इतिहास बना दिया। पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा के अनावरण और कैंसर इंस्टीट्यूट में नए ओटी के लोकार्पण के अवसर पर इस समय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी आए हुए हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, आज कल्याण सिंह जी की पहली पुण्यतिथि है। देखिए, व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ कृत्य किया जाता है, किए गए कृत्यों से उनका इतिहास बनता है। माननीय कल्याण सिंह के जीवन से एक इतिहास बना है और पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने उनके नाम पर एक अस्पताल का लोक नाम रखकर उनको हमेशा के लिए अमर करने का काम किया है। अब कल्याण सिंह की मृत्यु तो हो गई है, लेकिन वो मरेंगे नहीं, और इस तरीके से आज बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करने के बाद इतिहास बनाने का काम बने कल्याण सिंह जी ने किया है और योगी आदित्यनाथ जी ने उसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय कल्याण सिंह जी एक जाति विरोधी राजपूतिक ही नेता नहीं थे, माननीय कल्याण सिंह सर्वमान्य नेता थे, इसलिए जो किया जा रहा है उनके लिए बहुत अच्छा किया जा रहा है। मंत्री, क्योंकि लोधी समाज का जिक्र किया है, चर्चा इसको भी लेकर है कि आज जो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं 24 से और लोधी वोट बैंक की सियासत से भी जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, लोधी राजपूत वोट तो हमेशा हिंदूवादी विचारधारा का वोट है, वो तो भाजपा का ही के साथ ही रहता है और ये इस काम को वोट से नहीं जोड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल कि अगर हम इस संस्थान की बात करें तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे अपनी एक उपलब्धि के रूप में गिनाते रहे कैंसर इंस्टीट्यूट को, और वहाँ पर आज कल्याण सिंह जी की प्रतिमा लग रही है, आप क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश जी क्या क्या गिनाते हैं ये तो कहना मुझे ठीक नहीं होगा, उनके सोच में परिवर्तन आना चाहिए, उनका सोच राष्ट्र का हो, समाज का हो, देश का हो और विकास का हो। बेहतर तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज इस कार्यक्रम को सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, और जहाँ तक बात करें कल्याण सिंह की तो उनका कहना है कि वो सभी के सर्वमान्य नेता रहे, और जहाँ तक बात करें इंस्टीट्यूट की तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी का लखनऊ। और वहीं इसी कार्यक्रम में शामिल मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि कल्याण सिंह ने भाजपा को जन जन की पार्टी बनाने का काम किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका सबसे अग्रणी रही। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आज कैंसर इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में इस समय मंत्री जेपीएस राठौर जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, ये बताएं, आज कल्याण सिंह जी की पहली पुण्यतिथि और ये भव्य आयोजन जो है, क्या कहेंगे आज आप? ऐसा है, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हम सभी लोगों के लिए प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम और जनता की पार्टी बनाने का काम उत्तर प्रदेश में किया है, उनके उस योगदान को भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं सकती, और जिस तरीके से उनका योगदान रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बनाने के लिए, उन्होंने नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और उन्होंने उस साहस के साथ कहा कि कुछ भी हो जाए राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।